नमस्कार, ईपीएफ एग्ज़ाम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ामिनेशन के बारे में, जिसे शॉर्ट में स्टेनो भी कहा जाता है। ये ग्रेड सी और ग्रेड डी स्टेनोग्राफर्स के लिए एग्ज़ामिनेशन है जो एसएससी हर साल करवाता है। अगर आप 12th लेवल कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्ज़ाम और आपके पास शॉर्ट हैंड लिखने में प्रोफिशिएंसी है, यदि आप कॉन्फिडेंट हैं अपने स्किल्स में, तो आप ज़रूर ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये कई मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स में ग्रेड सी और ग्रेड डी, यानी कि ग्रुप बी नॉन गेजेटेड और ग्रुप सी के लिए करवाया जाता है। इससे यही ग्रेड सी और ग्रेड डी की स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट फिल होती हैं और वैकेंसीज हर साल नोटिफिकेशन के साथ ही अपडेट की करी जाती हैं। इसका प्रोसीजर बता दूँ, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है अप्लाई करने का। हर SSC एग्ज़ाम की तरह आपको SSC.NIC.IN की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टेनो C&D टैब खोलनी है। यहाँ से प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको लॉगिन रजिस्टर करना है, अपना बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद मात्र 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस पे करके आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस की। तो एज लिमिट, अगर आपको ग्रेड सी के लिए अप्लाई करना है तो 18 टू 30 इयर्स के एज आपको चाहिए, और अगर आपको ग्रेड डी के लिए अप्लाई करना है तो आपको 18 टू 37 इयर्स की एज लिमिट चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल सकती है यदि आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उसकी डिटेल्स आपको इस टेबल में मिल जाएंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की जहाँ तक बात है, तो आपको 12th स्टैंडर्ड आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपके पास 12th पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट आपके पास उस डेट तक होना चाहिए जहाँ जो अनाउंस की गई है नोटिफिकेशन में। चलिए बात करते हैं जल्दी से कि ये एग्ज़ाम कराया किस तरह जाता है, इसकी स्कीम क्या होती है। तो बेसिकली ये एग्ज़ाम दो चरणों में कराया जाता है, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और एक स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। तो जो फर्स्ट ईयर है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, उसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये टोटल 2 घंटे का पेपर होता है और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में कराया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के। इसके बाद बात कर लेते हैं टीयर टू की। तो टीयर टू में पोस्ट वाइज आपके एग्ज़ाम होता है, जिसमें लाइक आपको आपके स्किल टेस्ट की जाती है स्टेनोग्राफी में। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट करी है तो आपको उसके इंग्लिश या हिंदी, जो भी भाषा आपने ऑप्ट करी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम असाइन किया जाता है। और उस टाइम में यदि आप क्या कहते हैं अपना जो भी आपको ट्रांसक्रिप्शन दी जाती है वो आप अपने कंप्यूटर में लिख पाएँ तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। चलिए फिर सीधे सीधे बात आ जाती है कि सैलरीज, पर्क्स और बेनिफिट्स क्या हैं इस एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स के लिए। तो यदि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको 93,800 से 34,800 के बीच में पे स्केल मिल सकती है ग्रेड सी में, और 5,200 से 20,200 के बीच में ग्रेड पे स्केल मिल सकती है ग्रेड डी में। तो ये 4200 और 2400 की ग्रेड पे है, ग्रेड सी और ग्रेड डी स्टेनो की पोस्ट के लिए। इसके अलावा स्टेनोग्राफर्स को अलाउंस भी कई तरह की मिलती हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, DNS अलाउंस है और पेंशन तो है ही है। तो ऑल इन ऑल इनहैंड सैलरी जो स्टेनोग्राफर्स की बनती है वो स्टार्टिंग में ग्रेड डी की करीब 37,000 बनती है और ग्रेड सी की करीब 50,000 बनती है। काफ़ी अच्छी जॉब है अगर आपके पास स्किल्स हैं, स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमारे एग्जामिनेशन फॉरम community.exampathfinder.com पर आ सकते हैं, यहाँ पर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी जॉब्स मिल जाएंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कई एग्ज़ाम्स हैं, तो आपकी प्रिपरेशंस के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।